छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा कांग्रेस नेताओं की हत्या के विरोध में हुए बंद के दौरान पुलिस ने दो नेताओं की पिटाई कर दी। कांग्रेस ने इसे सरकार की बर्बरता करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख मानक अग्रवाल ने बंद के दौरान एमपी नगर में पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता गुड्डू चौहान की पिटाई पर गहरी नाराजगी जताई है। एमपी नगर के अंदर जरूर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई और एक दो लोगों को हमें हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा। उज्जैन में भी शांतिपूर्ण बंद था, वहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट पुलिस के द्वारा की गई, ऐसी वहाँ से भी शिकायतें हमको मिल रही हैं। और कई जगह भाजपा के और मोर्चा संगठन के लोगों ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की और उसमें पुलिस उनका साथ दे रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नक्सलियों से मिली हुई है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की। स्टेट की पुलिस में हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ हमने देखा है छत्तीसगढ़ के अंदर की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें यहाँ की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा हमारा उठ गया है। रमन सिंह ने स्वयं जेट सिक्योरिटी मांगी थी, इसलिए उनको आज वहाँ पर जेट सिक्योरिटी भारत सरकार ने दी है। उनको खुद को वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी खुद की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रहा क्या होगा इन प्रदेशों का। मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिक्योरिटी उपलब्ध करा सकते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी सिक्योरिटी उपलब्ध करवाना चाहिए। यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है, हमारे पहले लिखीराम कांवरे मंत्री थे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, उनको घर से निकालकर नक्सलियों ने ले जाकर शूट किया था। मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है, क्योंकि वहाँ घटना घटी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर कहाँ किससे किसके ऊपर आक्रमण करवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को नक्सलियों से खतरा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शनिवार शाम को कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर नक्सली हमला किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौत हो गई है। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट, टीएमएस टीवी न्यूज भोपाल।